हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज जो मैं गेम खेलने वाला हूँ उस गेम का नाम है गाइज अर्थ रिवाइवल। और अर्थ रिवाइवल का चैप्टर वन का मैंने ऑल मिशन कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर टू का मिशन भी मैंने कंप्लीट कर दिया। बट आज गाइज मैं बनाने वाला हूँ चैप्टर थ्री का, और चैप्टर थ्री के सारे मिशन को आज बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे। मतलब बताने वाला हूँ कि आप लोग को कैसे करना है, क्या क्या वे होता है करने का, एवरीथिंग आप लोग को डिटेल्स में हर मिशन के बारे में बताऊंगा। मेक श्योर की वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चैनल पहली बार तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइज, तो सर्वाइवल गाइड का थर्ड चैप्टर का फर्स्ट मिशन है लेवल टू गैदरिंग टूल आप लोग को बनाना है। तो इसको आपको कहां से बनाना है, तो सिंपल अपना क्राफ्ट पेज होता है उसको खोल लेना, एंड यहां पे आने के बाद यहां पे देखो ये आप लोग का वन लेवल का हो गया और ये आप लोग का टू लेवल का हो गया, लेजर से जो वो काटता है वो वाला। तो ये आप लोग को एक क्राफ्ट कर लेना, ये वाला मिशन इजी वे से हो जाएगा। सेकंड मिशन है गैदर रिसोर्सेज, इसमें दो पॉपुलर आप लोग को गैदर करना है और पाइरोलुसाइट और जो है वो आपको गैदर करना है। तो ये आप लोग को मिलेगा कहां, तो सिंपल आप लोग को हॉलिंग गोभी में जाना है। हॉलिंग गोभी में आने के बाद आपको यहां पे सबसे पहला ट्री काट लेना है। ट्री में आप को यहाँ पे चांसेस रहते हैं पॉपुलर मिलने का, तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे तीन यहाँ पे पॉपुलर मिल चुका है। तो ऐसे ही आप लोग गेदर करोगे तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाइस ओर की, तो ओर आप लोग को यहाँ पे एक मैप में दिखेगा स्टोन टाइप का आइकन, आप लोग को सिंपल इसको गेदर करना है। तो आप लोग को वो जो ओर था वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। पायरोलुसाइट यहाँ पे ओर आप लोग देख सकते हो मुझे मिल चुका है। तो ये वाला मिशन ऐसी करके इजी वे से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर थ्री का थर्ड मिशन है गाइस की क्राफ्ट कूलिंग रॉड ऑन क्विक क्राफ्ट स्क्रीन, ठीक है। तो आप लोग को एक कूलिंग रॉड को क्राफ्ट करना है, बेसिकली ये जो है रेगिस्तान वाला एरिया, तो आप लोग को यहाँ पे कूल रहने के लिए एक रॉड बनाना पड़ेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि एल बटन प्रेस करके अगर पीसी में खेल रहे हो तो, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सर्वाइवल इक्विपमेंट्स में जाकर के यहाँ पे देख लोगे गाइस, तो यहाँ पे कूलिंग रॉड्स है। चाहो तो आप इसको क्विक क्राफ्ट भी कर सकते हो, मतलब पावर क्राफ्ट भी कर सकते हो, या फिर मटेरियल क्राफ्ट भी करोगे। ये वाला मिशन आप लोग का इजी वे से हो जाएगा। ऑन अ प्रोटेक्टिव मास्क, आप लोग को एक प्रोटेक्टिव मास्क बनाना है, कोई सा भी आप लोग बना सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे क्राफ्टिंग में जाना, उसके बाद यहाँ पे सर्वाइवल इक्विपमेंट में आने के बाद यहाँ पे लेवल टू का प्रोटेक्टिव मास्क आप लोग को बना लेना। ये वाला मिशन इजी वे से हो जाएगा। बेसिकली रेगिस्तान एरिया में थोड़ा सा ना सैंड स्टॉर्म आता है, तो ये मास्क जो है आप लोग को उस वाले धूल गर्दा से बचाएगा, तो दैट्स व्हाई ये बनाने के लिए बोलते हैं। चैप्टर थ्री का फिफ्थ नंबर का मिशन है गाइस कि लेवल फोर कंपाउंड, आप लोग को अपने कंपाउंड को लेवल फोर अपग्रेड करना है। तो ये तो मैं बेसिकली हर वीडियो में बताता हूँ। तो सिंपल मैनेजमेंट में यहाँ पे कंसोल में आ जाना है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको अपग्रेड कंपाउंड में जाकर के यहाँ पे आप लोग अपग्रेड कर लेना, जो भी मटेरियल यहाँ पे लगेगा आप ट्रैकिंग मटेरियल भी कर सकते हो, एंड अपग्रेड कर लेना इजी वे से हो जाएगा। सिक्स नंबर का मिशन है क्राफ्ट और लेवल 20 वेपन, ठीक है। आप लोग को कोई सा भी लेवल 20 का वेपन क्राफ्ट कर लेना है। क्राफ्ट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे इक्विपमेंट वर्कबेंच में आना है। वेपन लेवल में आप लोग 20 लेवल का वेपन सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको स्क्रीन पे सारे 20 लेवल के वेपन शो होंगे। तो आप लोग को इनमें से कोई सा भी वेपन बना लेना है, तो ये वाला मिशन आपका इजी वे से हो जाएगा। नेक्स्ट मिशन है क्राफ्ट हैट, तो हैट आप लोग कहां से क्राफ्ट करना है, तो सिंपल इक्विपमेंट वर्कबेंच में आ जाना। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे आर्मर सेलेक्ट कर लेना है, आर्मर में यहाँ पे 20 लेवल का सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे हैट दिख रहा है, हेलमेट दिख रहा है, इसको आपको क्राफ्ट कर लेना है। ये वाला मिशन आप लोग का इजी वे से हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होल्ड रिमोट कंट्रोल, ये वाला मिशन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि आप एक्टिवेटेड टर्मिनल यूनिट, इसके लिए आप लोग कहाँ पे जाना है, तो सिंपल आप लोग मैप खोलना, मैप में जाने के बाद आप लोग को सैंडल वेले सेलेक्ट कर लेना है। सैंडल वेले में आप लोग यहाँ पे देखोगे एक्वा फार्म एक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टावर भी रहता है, इसको आप लोग ऑन मतलब बाइक जा सकते हो, या फिर ऑन फुट भी जा सकते हो, या फिर अगर वो टावर ऑन है तो आप लोग क्विक ट्रेवल भी कर सकते हो। क्विक ट्रेवल करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक दरवाजा दिखे ये वाला गेट, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक टर्मिनल यूनिट दिखेगा गाइस फ्रंट में। ये अभी मेरा चेक टर्मिनल एम्फू दिखा रहा है, बट आप लोग को यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन देगा जब आप लोग का ये अनलॉक नहीं रहेगा, तो ये आप लोग अनलॉक कर लेना, ये मिशन आप लोग का इजी वे से हो जाएगा। इसी का सेकंड मिशन है गो टू द स्ट्रॉन्ग होल्ड रिमोट कंट्रोल एंड चेक द स्ट्रॉन्ग होल्ड मैनेजमेंट इंटरफेस। तो आप लोग को इसके लिए क्या करना है कि आप लोग को एक डिवाइस मिलेगा, आप लोग इसको अपने कंपाउंड पे प्लेस कर देना। अगर ये आप लोग के पास नहीं है तो यहाँ पे फर्नीचर वर्कबेंच में आ जाना, उसके बाद यहाँ पे वर्कबेंच कैटेगरी में यहाँ पे नीचे स्क्रोल करोगे गाइस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड कंसोल करके एक रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लेना, बनाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे मैनेजमेंट में जाना और एक दफा बारी बारी सबको चेकआउट कर लेना। ये सारे ये मिशन आप लोग का इजी वे से ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट मिशन है पावर आर्मर इनिशियल टेस्ट। तो इनिशियल टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप फाइट करते हो, जब भी आप लोग किसी जॉम्बी से फाइट करते हो, तो पावर आर्मर का ये जो लाइन है ये आप लोग का इंक्रीज होता रहता है। और वंस ये जब इंक्रीज हो जाएगा तो आपको सिंपल इस पे टैप कर देना, मोबाइल वर्जन खेल रहे हो तो टैप कर देना, या फिर जी बटन प्रेस कर देना, तो ये आपका कैरेक्टर पावर आर्मर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मिशन आप लोग का हो जाएगा। इक्विप न्यूक्लियर लिथियम बैटरी, तो इसको आप लोगों को कहां से मिलेगा, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे इक्विपमेंट वर्कबेंच में आ जाना। इक्विपमेंट वर्कबेंच में आने के बाद सिंपल यहाँ पे बैटरी का एक आइकन दिखा, इस पे टैप कर देना, एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि न्यूक्लियर लिथियम बैटरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको आपको क्राफ्ट कर लेना है और सिंपल अपना इक्विप कर लेना। इक्विप करने के लिए सिंपल आप लोग बैकपैक खोल सकते हो, बैकपैक में जाने के बाद यहाँ पे सर्वाइवल में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग ये बैटरी को लगा सकते हो। ऑन अ फिल्ट्रेशन हेलमेट, आप लोग को फिल्ट्रेशन का हेलमेट बनाना है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि आप लोग को क्विक क्राफ्ट में चले जाना, उसके बाद यहाँ पे आने
के बाद आप लोग को सर्वाइवल इक्विपमेंट्स में देख लेना गाइस कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हेलमेट रहता है ठीक है नाम का, तो आप लोग इसमें से कोई सा भी बना लेना जितना लेवल का बोल रहा है, तो ये मिशन आप लोग का हो जाएगा। इसी में एक मिशन है गेट वैलेट टॉक्सिकेट जेल इन स्टारशिप रैकेज ठीक है, तो आप लोग को स्टारशिप रैकेज के पास जाना है तो सिंपल आप लोग को एक मैप खोल लेना अपना, इसमें आप लोग सैंडल वेले में यहाँ पे मैप खोल लेना। उसके बाद यहाँ पे सबसे टॉप पे देखो गाइस तो यहाँ पे स्टारशिप रैकेज नाम का रहेगा, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे क्विक ट्रेवल कर लेना। क्विक ट्रेवल करने के बाद आपको मैप खोलना है एंड यहाँ पे आप लोग को सिंपल मार्क कर लेना है एंड एग्जैक्टली यहीं पे आपको जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे मॉन्स्टर रहेंगे, इनको आपको डिफीट करना है और डिफीट करने पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कलर का वैलेट टॉक्सिकेट जेल यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसको सिंपल आप लोग को गेदर कर लेना है और इसके रेट भी अच्छे खासे में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो इसको बेच के आप लोग फायदा भी कमा सकते हो। तो इसी तरीके से ये वाला मिशन आप लोग का इजी वे से कम्प्लीट हो जाएगा। सेकंड मिशन है गाइस न्यू एडन आर्कजेन आइलैंड, तो न्यू एडन आर्कजेन आइलैंड के लिए आपको सिंपल सैंडल वेले में आ जाना है, उसके बाद मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ वैसे वैसे जाना है आपको। यहाँ पे आने के बाद देख लेना एक यहाँ पे ब्लूप्रिंट रहता है, उसके बाद यहाँ पे ना एक पर्ल नाम की बंदी रहती है, इसे आपको सिंपल टॉक कर लेना है और ये वाला मिशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मिशन है लेवल 5 कंपाउंड, तो आप लोग को लेवल 5 कंपाउंड आपका अपग्रेड कर लेना है, तो कंपाउंड कंसोल में आ जाना, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अपग्रेड कंपाउंड में जाकर के इसको अपग्रेड कर लेना हो जाएगा। क्राफ्ट सुपीरियर बैंडेज, तो आप लोग को सुपीरियर बैंडेज बनाना, तो सिंपल यहाँ पे क्विक क्राफ्ट में चले जाना, उसके बाद यहाँ पे रिस्टोर में भी जा सकते हो, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सुपीरियर बैंडेज आप लोग को दिखा, तो सिंपल इसको गेदर करके क्राफ्ट कर लेना, या फिर यहाँ पे अगर कोई क्राफ्ट भी करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट मिशन है प्लेस मीडियम टेक फार्म, तो आप लोग को मीडियम टेक फार्म इसके बारे में तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया, अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो जा करके देख लेना। तो यहाँ पे आप लोग फर्नीचर वर्क बेंच में आ जाना है, सिंपल यहाँ पे नीचे में स्क्रोल करोगे तो आप लोग को यहाँ पे मीडियम टेक फार्म आप लोग को दिखेगा, इसको आप लोग को क्राफ्ट कर लेना है। क्राफ्ट करने के बाद मैनर पे कहीं भी प्लेस कर देना है, और ये देखो गाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस कर रखा है, और प्लेस करके आप लोग खेती बाड़ी कर सकते हो, ये वाला मिशन आपका इजी वे से हो जाएगा। वीकली एक्टिविटी इवेंट्स, आपको क्या करना है कि सिंपल वीकली एक्टिविटी रिवॉर्ड को क्लेम करना है, वो कहां से करना है, तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे डेलीज में जाना है। डेलीज में आने के बाद यहाँ पे वीकली एक्टिविटी नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आने के बाद ये सारे जो रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं ये सारे रिवॉर्ड्स को आपको क्लेम करना है। ये रिवॉर्ड आप लोग का मिशन करने पे अनलॉक होते चले जाते हैं, तो आप लोग इसको मिशन करोगे एंड यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ता रहेगा और ये आप लोग का क्लेम कर लेना बस। चैप्टर 3 का लास्ट मिशन गाइस अपग्रेड इलेक्ट्रोफ्रेंजी, तो आप लोग को इलेक्ट्रोफ्रेंजी कहां से अपग्रेड करना है, तो सिंपल यहाँ पे देख लेना एक जनरेटर रहता है ठीक है जो आप लोगों ने रखा था अपने मैनर पे, तो सिंपल इसमें जाना एंड उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड का एक ऑप्शन देता है, इसको अपग्रेड कर लेना। फिलहाल तो मेरा मैक्स लेवल पे ऑलरेडी रीच है, आप लोग एक दफा इसको कर लेना आपका मिशन हो जाएगा। तो चलो गाइस इस वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर 3 के सारे मिशन को एक्सप्लोर किया, सारे मिशन को A to Z बताया, फिर भी अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कि मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो या फिर डिस्कॉर्ड में डीएम करो, आप लोग को मैं हेल्प कर दूंगा। तो चलो गाइस आई होप सो कि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल है पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।